हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में मैथमेटिक में लेसन नंबर 6। तो आइए देखते हैं लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 6 टाइम। यहाँ पर संपदा का पूरा डे रूटीन हमें दिया गया है। एक गर्ल है संपदा, वो पूरे डे में क्या करती है उसका हमें डे रूटीन दिया गया है। वन गेट अप फॉर स्कूल, संपदा सुबह स्कूल जाने के लिए उठती है। टू ईट ब्रेकफास्ट, बाद में वो ब्रेकफास्ट करती है। थ्री रीड अ स्टोरी इन स्कूल, वो फिर ब्रेकफास्ट के बाद स्कूल जाती है और स्कूल में स्टोरी रीड करती है। फोर ईट लंच, फिर वो लंच खाती है। नंबर फाइव प्ले, फिर वो खेलती है। फिर स्टडी करती है 6 और रात को 7 नंबर गो टू बेड और रात को वो सो जाती है। टिक राइट द एक्टिविटी दैट यू डू इन द मॉर्निंग, जो एक्टिविटी हम मॉर्निंग में करते हैं उसके ऊपर हमें राइट करना है। तो यहाँ पर एक बॉय नहा रहा है, बाथिंग ले रहा है, तो वो हम मॉर्निंग में करते हैं तो यहाँ पर राइट करना है। फिर एक गर्ल पढ़ाई कर रही है तो वो तो हम मॉर्निंग में करते हैं लेकिन एकदम सुबह में नहीं करते हैं। फिर गर्ल लंच ले रही है तो वो तो दोपहर में करते हैं। फिर एक गर्ल अपने दांतों को ब्रश की मदद से साफ कर रही है तो वो तो हम मॉर्निंग में करते हैं तो यहाँ पर राइट करना है। टिक राइट द एक्टिविटी दैट यू डू इन द इवनिंग, जो एक्टिविटी हम इवनिंग में करते हैं उसके ऊपर हमें राइट करना है। एक बॉय नहा रहा है तो वो तो हम मॉर्निंग में करते हैं। फिर गर्ल्स खेल रही है तो वो हम इवनिंग में करते हैं। फिर एक बॉय पढ़ने के लिए जा रहा है तो स्कूल भी हम मॉर्निंग में जाते हैं। और बॉय सोया हुआ है तो सोते तो हम नाइट में है। टिक राइट द एक्टिविटी दैट यू डू इन द डे, यानी कि उस एक्टिविटी पर राइट करना है जो एक्टिविटी हम डे में करते हैं। हम दांतों को साफ भी डे में करते हैं, फिर कहीं पर जाते भी डे में है, फिर खाना भी हम डे में ही खाते हैं, फिर नहाते भी हम डे में ही है। टिक राइट द एक्टिविटीज दैट यू डू एट नाइट, उस एक्टिविटी पर राइट करना है जो हम नाइट में करते तो हम सोते नाइट में है, फिर पढ़ते तो हम डे में है, फिर यहाँ पर से वापस भी एक गर्ल सोई हुई है तो वो भी हम नाइट में करते हैं और पढ़ने के लिए तो हम डे में जाते हैं। नंबर द एक्टिविटी इन सीक्वेंस, तो सबसे पहले हमें खाने के लिए रोटी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, एक बर्तन में आटा लेना होगा तो वो नंबर 1, फिर उसमें पानी डालना होगा तो वो नंबर 2, फिर उसे हाथ की मदद से गूंथना होगा वो नंबर 3, फिर हमें चूल्हे में स्टार्ट करना वो स्टोव स्टार्ट करना होगा तो वो नंबर 4, फिर रोटी बेलनी होगी वो नंबर 5, फिर हम उस रोटी को खाएंगे तो वो नंबर 6। टिक राइट द एक्टिविटी दैट विल टेक लॉन्गर, कौन सी जो एक्टिविटी लंबे समय तक चलेगी उसके ऊपर हमें राइट करना है। तो एक बकेट में पानी, बकेट को पानी से भरने में ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर ड्रम में, तो ये वाले ड्रम में ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर एक बॉय कहीं पर जा रहा है तो वो चलकर जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर बाइसिकल में जाएगा तो वो चलकर जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो एक्टिविटी लॉन्गर चलेगी तो यहाँ पर राइट करना है। स्टूडेंट, हमारा लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।